हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे गुलाब की केयर की बात करूंगी। ये देखिए मेरा, आपको मैंने पहले भी दिखाया था शायद, ये मेरा कश्मीरी गुलाब का पौधा है। और इसकी अब मैं सर्दियों में केयर की बात करती हूँ आपसे। तो गुलाब की केयर में क्या होता है कि अक्टूबर में तो आपको इसको प्रून करना होता है। जितना आपका पौधा है उसको हाफ लेंथ में प्रून कर दें, सारे पौधे को अच्छी तरह से छांट दें। नीचे से आधा या 1/3 रह जाए आपका पौधा और ऊपर से सारे पौधे को काट देना चाहिए। वो टाइम अब निकल गया, वो अक्टूबर में करना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें जब हम प्रून कर देते हैं इसको, तो प्रूनिंग पे मेरी एक वीडियो है अलग से, मैंने लास्ट ईयर प्रूनिंग पे वीडियो डाली थी गुलाब की, वो आप देख सकते हैं। प्रूनिंग के बाद उसके जो प्रून कटे हुए जो आगे से खुली हुई जो डंडियां होती हैं उनको पैक कर देते हैं फेविकॉल वगैरह लगा के, और प्रूनिंग के बाद पौधे को अच्छी तरह से खाद दे देते हैं। अब उस खाद में वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और जो है थोड़ा सा आपको DAP डालना हो तो DAP या थोड़ा सा सुपर फॉस्फेट डाल दें, ताकि उसके बाद वो जड़ों को भी ताकत देता है सुपर फॉस्फेट। और अच्छी तरह से खाद को डाल के उसमें आप थोड़ा सा सीवीड फर्टिलाइज़र भी एक मुट्ठी मिला लें। तो वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी, सीवीड फर्टिलाइज़र 1-2 मुट्ठी, बोन मिल डाल लें उसमें आप, और एक मुट्ठी उसमें एप्सम सॉल्ट डाल लें, एक पौधे के लिए बता रही हूँ। तो ये चीज़ें मिला के उसको अच्छी तरह से अच्छी क्वांटिटी में खाद दे देते हैं पौधे को। ऊपर की 2-2 इंच की मिट्टी को निकाल लेते हैं, 2-2.5 इंच की, फिर उसमें अच्छी तरह खाद डाल के खूब सारी, एक पौधे में करीब करीब 1/2 किलो के करीब खाद दे दें, ये जो मिक्सचर आप बनाएं। और उसके बाद उसको ऊपर से मिट्टी से भर देते हैं, थोड़ा मिट्टी में जैसे 2 इंच की जगह आपने खाली की उसमें भर के उसको मिट्टी में यूं मिला के और ऊपर से दूसरी मिट्टी डाल के उसको भर देते हैं। और फिर आपका पौधा को छोड़ देते हैं, थोड़ा से कटिंग करने के बाद उसको हाफ डे सन में रखें या 1-2 दिन। अगर गमले में है और जैसे या ज़मीन में है तो ये जहाँ है वहीं रहेगा, और ज़मीन में गुलाब एक्चुअली ज़्यादा अच्छे चलते हैं, मतलब केयर कम करनी पड़ती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी पत्तियाँ वगैरह जब प्रूनिंग करें तो पत्तियाँ वगैरह सब हटा दें अच्छी तरह से। और हाँ, ये जो खाद दें उसमें आप 1 चम्मच के करीब फंजीसाइड पाउडर भी डाल दें, कोई भी जो आपको मिलता है, मैंकोजेब मिलता है, साफ मिलता है, जो भी बाजार में अवेलेबल हो वो डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब की पत्तियों में फंगस बहुत लगता है। तो फिर उसके बाद जब आपका पौधा 15-20 दिन महीने बाद उसमें पत्तियों का फुटाव आएगा तो फिर आप उसको पानी देते रहें। पानी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बस उसकी मिट्टी थोड़ी गीली रहे, इतनी सी उसमें आपको खाद मतलब पानी देना है। और साथ के साथ जब पत्तियां आ जाएं तो देखिए इस तरह की ये जो ये पीली पत्तियां पड़ रही हैं, जो आपको डल पत्ती पड़ रही है ऐसे, इन पत्तियों को आप हटाते रहें। और कई बार पत्तियां देखिए ऐसे, और कई बार पत्तियां टूट टूट के गिरने नीचे गिर जाती हैं गमले की मिट्टी में, मतलब तो उनको अच्छी तरह से साफ करते रहें आप। और पानी जो है, जैसे मैं कह रही हूँ, लिमिटेड दें, अपने पत्ते को, अपने पौधे को ना क्लीन करते रहें आप, है ना, जो जो आपको पत्ती ऐसी दिखती है। और पत्ती के ऊपर पानी नहीं डालने, जब भी आप पानी दें तो मिट्टी में पानी दें, फूलों पे और पत्तियों पे पानी नहीं दें। गुलाब को नाइट्रोजन बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा नाइट्रोजन। अगर आप इसको सिर्फ गोबर खाद भी देंगे ना तो आपका जो पौधा है वो अच्छे फ्लावर देगा, लेकिन उसको उसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो, पत्तियों पे पानी नहीं हो। एक बार इसकी पत्तियों पे फंगस लगने लग जाता है ना जब गुलाब की, तो आपका अच्छा वाला पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पौधे में पत्तियों को हवा मिलती रहे, बीच में से देखिए ऐसे जगह हो, ऐसे हवा भी, हवा पास होने की जगह हो, बहुत ज़्यादा झाड़ी नहीं बन जाए। अगर झाड़ी बहुत ज़्यादा बन गया है तो बीच बीच की ब्रांचेज आप हटाते रहें, जो अननेसेसरी इसको जो है इसमें हवा क्रॉस करने को रोकती है। और इसमें आप फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें हर 10-15 दिन। वैसे इस पौधे को अच्छी तरह चेक करते रहें, गुलाब चेक बहुत मांगता है,
पत्तियों वगैरह को देखते रहें, कहीं कोई फंगस है या कई बार एफिड्स वगैरह लग जाते हैं और स्पाइडर माइट्स इसमें बहुत लग जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा कीड़ा लग जाए आपको दिखे तो इमीडा क्लोप्रेट एक मेडिसिन आती है, उसका 2 ml 1 लीटर में भिगो के उसको अच्छी तरह से स्प्रे कर दें और थोड़ा सा मिट्टी में भी डाल दें ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो हट जाएं सारे। और फंगस का फंजीसाइड का स्प्रे भी आप करते रहें, 15 दिन में एक बार कर दें। माइल्ड सॉल्यूशन बनाएं उसका, 1/4 चाय का चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के उसका आप स्प्रे करें, और जब स्प्रे करें तो पत्तियों के नीचे की तरफ भी स्प्रे करें, तो इसमें जो है वो फंगस बहुत हो जाता है, वो आपको इसकी सरफेस पे काला काला या वाइट वाइट दिखने लग जाता है सर, तो उसको आप ऐसे इन्फेक्टेड जो पत्ते हैं उनको हटाते रहें और ये जो मैं कह रही हूँ मेडिसिन देते रहें। और अभी जब आजकल सीजन चल रहा है इसमें फ्लावर आ रहे हैं, तो इस सीजन में आप इसमें सबसे आसान जो खाद है बनाने के लिए वो ये है कि आप एक बाल्टी में 4-5 मुट्ठी भर के, बाल्टी ले लें आप 7 से 10 लीटर तक की, और 5-6 मुट्ठी उसमें सरसों खली डाल लें और 5-6 मुट्ठी ही उसमें आप डाल लें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल लें, और वो वाली जो खाद है वो आप इसको देते रहें हर 10 दिन के बाद अपने पौधे को, और मतलब जैसे 1 दिन की वाटरिंग को छोड़ के और उसकी जगह वो खाद दे दें। और अगर आप इसमें देना चाहते हैं तो रोज़ फर्टिलाइज़र मिलता है बाज़ार में, वो सबसे अच्छा रहता है, अगर आप बिगनर हैं तो सबसे अच्छा है, इधर उधर ज़्यादा कुछ नहीं सोचें आप, तो 1-2 चम्मच उस फर्टिलाइज़र के 1 या 1.5 चम्मच तक आप दे दें 15-20 दिन में एक बार, सही रहता है 20 दिन में एक बार वो अपने पौधे से 2-3 इंच दूरी पर एक सर्कल में या फिर गमले में लगा हुआ है तो रिम के साथ साथ उस फर्टिलाइज़र को आप दे दें, तो उसमें कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है, उससे आपका पौधा जो है वो अच्छा चलता है। अच्छा, गुलाब को एप्सम सॉल्ट बहुत पसंद है, तो आप गुलाब के पौधे में महीने में एक बार एप्सम, जैसे मैंने बताया खाद आप प्रूनिंग करते हैं उसमें एप्सम सॉल्ट डालते हैं, उसके बाद भी महीने में एक बार आप एप्सम सॉल्ट डाल दें जब जब इनका फ्लावरिंग का सीज़न है, और फरवरी के बाद जब इसका फ्लावरिंग का सीज़न जाने लगेगा फरवरी मार्च में, उसके बाद फिर ना दें, फिर हम गर्मियों में इसको सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा सा देंगे। इसको नाइट्रोजन जैसे मैंने कहा बहुत पसंद है, इसको आप सिंपल NPK 19-19-19 जो है वो 1 लीटर पानी में 1 चाय का चम्मच खोल के उसका पानी भी देते रहेंगे ना महीने में एक बार, आजकल भी सर्दी सर्दी भी, वो जो मैंने 10-15 दिन में बताई है गोबर खाद और नीम खली, सॉरी सरसों खली वाली, अच्छा उसमें आप नीम खली भी डाल लें, गोबर खाद जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद और सरसों खली साथ में नीम खली भी डाल दें, वो भी इसको फंगस से बचाएगा, 2-4 मुट्ठी नीम खली की भी उसमें डाल दें, तो वो वाली खाद तो देनी ही है, आप महीने में एक बार आप ये NPK वाली खाद भी दे दें, उस NPK वाली ये जो मैं डिसॉल्व करना बता रही हूँ 1 लीटर में 1 चाय का चम्मच, उसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं, उससे जो नाइट्रोजन मिलता है वो ही सफिशिएंट होता है इस प्लांट को ग्रोथ अच्छी करने में, और फ्लावरिंग को भी इंक्रीज कर देगा वो इसकी अगर वो डालेंगे, और सीवीड फर्टिलाइज़र तो मैंने आपको बताया ही है जो आप डालेंगे, और ये जो लिक्विड बना रहे हैं ना इसमें भी आप सीवीड फर्टिलाइज़र थोड़ा सा मिला लें, गोबर खाद सरसों खली नीम खली और थोड़ा सा उसमें सीवीड फर्टिलाइज़र भी मिला लें, तो वो भी इसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में हो जाएंगे, तो आपका गुलाब अच्छा ग्रो करेगा, बड़े बड़े फूल आएंगे, और बस ये केयर आप करें अपने गुलाब की और आपके गुलाब में बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे, बड़े और अच्छे फ्लावर्स आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गुलाब के केयर पे ये वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।